टाउन गर्ल कंगना रनौत अब हो गई है बेकाबू, तोड़ दी है कंगना ने अपनी स्मॉल टाउन गर्ल मेंटेलिटी की बेड़ियां। अगर सोर्सेज की माने तो पैकअप के बाद कंगना किसी को बताए बगैर हॉलीवुड हंक जेरार्ड बटलर के साथ 3 दिन के लिए एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर चली गई। लॉस एंजलिस में शूट हो रही फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में कंगना और जेरार्ड के बीच अच्छी खासी केमिस्ट्री थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जोड़ी की केमिस्ट्री हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए वो अपनी जियोग्राफी भी बदल देंगे। जेरार्ड बटलर इज नोन टू बी अ चार्मर। पहले जेरार्ड प्रियंका को अपने दिल फेंक अंदाज से वू करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने प्रियंका को मजाक में प्रपोज भी कर दिया था, बट जेरार्ड जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर विद एवरी एनकाउंटर। बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के लिए कंगना ने अजय देवगन, संजय दत्त और सलमान खान जैसे टॉप स्टार्स के साथ अच्छी रैपो बना ली है। शी इवन डज अ लॉट ऑफ नेम ड्रॉपिंग टू फॉरवर्ड हर करियर। लेकिन जेरार्ड के साथ उनकी रिलेशनशिप बन जाए तो फिर बॉलीवुड के सीनियर एक्टर्स के कंधे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंगना, हिमाचल टू हॉलीवुड के इस सफर के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। तन्नू मीट्स बटलू, बटलर। कंगना और जेरार्ड 3 दिन तक एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर क्या करेंगे दोनों? बातें तो नहीं करेंगे, बट व्हाट्स योर गेस सिमी? इज इट अ शॉर्ट एंड स्वीट हनीमून? व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? छोड़ो ना गाइस, क्यों बदनाम कर रहे हो कंगना को ये कहकर दैट शी हैड अ शॉर्ट एंड स्वीट हनीमून? 3 days with someone is no honeymoon, it is a harimoon.